नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो कि एमपी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। बड़ी सर्जरी मध्य प्रदेश कांग्रेस में की जा सकती है, यानी कि बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। यूथ कांग्रेस के सभी विधानसभा अध्यक्षों को हटा दिया गया है, विधानसभा इकाइयों को भी भंग किया गया है। एमपी यूथ कांग्रेस का नए सिरे से गठन किया जाएगा। हाल ही में मितेंद्र सिंह यादव को बनाया गया है प्रदेश यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी सर्जरी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर हुई है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, जहां कांग्रेस 29 की 29 सीटें हार गई। ऐसे में यहां पर यूथ कांग्रेस के सभी विधानसभा अध्यक्षों पर गाज गिरी है और विधानसभा इकाइयों को भी भंग किया गया है। एमपी यूथ कांग्रेस का नए सिरे से गठन किया जाएगा। हाल ही में मितेंद्र सिंह यादव को प्रदेश यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है, विक्रांत भूरिया के कहने के बाद कि वो अपने पिता के चुनाव में समय देना चाहते हैं। तो ऐसे में मितेंद्र सिंह यादव को जगह दी गई थी, उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है, एमपी कांग्रेस के नेता इस बात को कह चुके हैं पहले ही, और बड़ी सर्जरी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस को जो करारी हार मिली उसके बाद अब कई तरह के संगठन पर सवाल खड़े होने लगे थे कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो पुराने लोग हैं शायद वो ढंग से काम नहीं कर रहे, और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव हार रही है। और देखिये, मितेंद्र को अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये कमान सौंपी गई थी, जब कांतिलाल भूरिया का टिकट हुआ उसके बाद विक्रांत भूरिया ने इस पद से इस्तीफा दिया था और अपने दूसरे कामों का हवाला दिया था। तो उसके बाद अब मितेंद्र दर्शन सिंह को मौका मिला है, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दो दिन की एक बड़ी मैराथन बैठक जो है वो पीसीसी में की थी, और सभी विधानसभा अध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष हो या फिर युवा कांग्रेस से जुड़े जो अन्य पदाधिकारी थे, उनको बुलाया था भोपाल और सबसे मैन टू मैन बात की थी और उनसे उनका फीडबैक भी लिया था, और जिसके बाद वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर है। और उसके बाद अब देखिए, बड़ी सर्जरी के तौर पर ऐसा माना जा रहा है, जो आदेश जारी किया गया है कि मध्य प्रदेश के जितने भी युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष उनको तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया गया और नई नियुक्तियां जल्द ही होगी। यानी निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि जो लोग जिनको पदमुक्त किया गया है वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, संगठन की जो जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभा रहे थे, और अब नए सिरे से कांग्रेस का, युवा कांग्रेस का संगठन जो है वो फिर से तैयार किया जाएगा। पहले विधानसभा अध्यक्ष, फिर लोकसभा अध्यक्ष, उसके अलावा प्रदेश की बॉडी जो है उसको नए तरीके से सर्जरी की जाएगी। अब देखना होगा कि जो नई सर्जरी होती है उनमें किन चेहरों को मौका मिलता है और आने वाले चुनाव के लिए ये युवा है किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, युवाओं को मौका मिले इसको लेकर एमपी कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो बात कर रहे हैं। कल भी जिस तरीके से उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को अब गहन मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता और आवश्यकता है नए लोगों को मौका देने की। अभी फिलहाल आने वाले 3 से 3.5 साल तक मध्य प्रदेश में किसी तरह के कोई चुनाव नहीं है, और ऐसे में यदि कांग्रेस सर्जरी करती है और संगठन के लिए बेहतर काम करती है तो देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। जी अपर्णा, बिल्कुल शैलेंद्र, समय है कांग्रेस के पास सर्जरी करने का, तमाम फेरबदल करने का, क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया आपने, कह के कोई चुनाव नहीं है, तो ऐसे में यह रिस्क कांग्रेस ले सकती है। और जिस तरह से यहां पर एक्शन शुरू हो गया है, और कल मुकेश नायक भी प्रोग्राम में जुड़े थे मेरे साथ, उन्होंने कहा था कि बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर। तो ये साफ है कि दिल्ली से भी सहमति मिली हुई है कि आप जो करना चाहते हैं बेहतरी के लिए करें। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो मैंने जिक्र किया कि विधानसभा हो या लोकसभा हो जो हार मिली उसके बाद अब कांग्रेस में यही मंथन और चिंतन चल रहा है कि किन लोगों को अब आगे किया जाए। देखिए, विधानसभा की हार के बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश में युवाओं को कमान दी गई, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी हो, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंघार, या उपनेता के तौर पर जिस तरीके से हेमंत कटारे को जिम्मेदारी दी गई, हालांकि उसका बहुत ज्यादा फायदा लोकसभा में नहीं मिला। हालांकि इसको लेकर कल उमंग सिंघार ने फायदा नहीं मिला, लेकिन अब बहुत कम समय भी था सभा लोकसभा चुनाव के बीच में। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए शैलेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट इस पूरी जो चहलकदमी कांग्रेस के अंदर हो रही है, फेरबदल हो रहा है, उस पर लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं देश की सरकार को लेकर। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ 9 जून को ले सकते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है, पहले 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होने की खबर थी।
एनडीए सरकार के गठन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी स्पीकर पद अपने पास रखेगी, सूत्र बता रहे हैं। टीडीपी ने स्पीकर पद की मांग रखी है, डेप्टी स्पीकर का पद बीजेपी दे सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी स्पीकर पद अपने पास ही रखेगी। महत्वपूर्ण हो जाता है कोलिशन की सरकार में स्पीकर का पद, और ऐसे में इसीलिए ये कहा जा रहा था कि टीडीपी की ओर से खास दबाव है इस पद के लिए, लेकिन बीजेपी इस पद को अपने पास से नहीं जाने देगी। विनीत हमारे सहयोगी, विनीत बताएं। टीडीपी जो है वो स्पीकर का पोस्ट जो है वो अपने साथ रखना चाहती है। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बालयोगी जो थे, जीएमसी बालयोगी, वो स्पीकर थे, उसी तरह उसी तर्ज पर इस बार भी स्पीकर का पोस्ट जो है वो टीडीपी चाहती थी। लेकिन उस वक्त की बीजेपी और इस वक्त की बीजेपी में लगभग दो दशक से अधिक का समय हो गया है। उस वक्त बीजेपी 180 के लगभग थी और इस वक्त बीजेपी 240 के लगभग है। ऐसे में बीजेपी जो है वो स्पीकर का पोस्ट जो है वो नहीं दे सकती, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो टीडीपी को जो है बीजेपी ने ऑफर किया है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तर्ज पर जिस तरह से डिप्टी चेयरमैन का राज्यसभा में पोस्ट जो है वो बीजेपी ने जेडीयू को ऑफर किया है, जेडीयूपी को दिया है, इसी तर्ज पर जो है वो बीजेपी जो है वो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो जो है वो टीडीपी को दे सकती है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विनीत। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कल संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। यादव मेरे साथ हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने पहले ही अपनी इनिंग में छक्का मार दिया, क्लीन स्वीप लोकसभा चुनाव में, बड़ी जीत मध्य प्रदेश को। ये माननीय मोदी जी के काम का आधार है बड़ा अपने आप में, और उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब भी पूरे प्रदेश में एक नारा गूंजा था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और उसका परिणाम हमने ये दिया। जब सरकार बनी तब से जनहितैषी योजनाओं को लेकर आगे बढ़े। माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी दो नदी जोड़ो बड़ी परियोजनाओं का बड़ा लाभ मिला है। नीचे विधायकों के लिए हमने उनके बड़े पैमाने पर रुके हुए काम कराए हैं, और सांसदों को भी विश्वास में लेकर उनके कामों की लिस्ट लेकर उस दिशा में भी आगे बढ़े। कार्यकर्ता, सरकार, संगठन सबने मिलकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और माननीय मोदी जी का नाम पर्याप्त था। सर चुनौती क्या थी इस चुनाव में आपके लिए लोकसभा, क्योंकि आप तक 3 महीने पहले ही मुख्यमंत्री का दायित्व मिला आपको और उसके बाद ये चुनाव, चुनौती कितनी चुनौती रही है इसमें क्लीन स्वीप करना? देखिए मैं तो ये मान के चलता हूं कि चुनौती तो सदैव रहती है, चुनौती नहीं थी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन चूंकि हमारे अपने कार्यकर्ताओं की फौज है, सरकार की क्रेडिबिलिटी है, हम सब मिलकर काम करते हैं, और मेरा भी स्वभाव है बड़ी बड़ी बातें न करते हुए मैदान के अंदर जो जरूरी है उन कामों में जरूर हस्तक्षेप करते हैं। गरीब से गरीब आदमी का भी मान सम्मान है, जिससे आपने देखा होगा हमारी सरकार ने कई फैसले लिए। उदाहरण के लिए ड्राइवर अगर बदजुबानी करता है लेकिन आईएएस अधिकारी उसको कोई टिप्पणी करता तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। गुना की घटना हो, बाकी घटनाएं हो, तो हमने जनता के मन में ये बात बनाई है कि सरकार जनता की है, और जब जनता की सरकार बनती है और माननीय मोदी जी जनता के नेता हैं तो स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की सरकार का नारा बहुत गले उतरा और उसका परिणाम आया कि भारी बहुमत से जीते। सर आप बार बार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है नरेंद्र मोदी, लेकिन मैं फिर आपके ऊपर ही आ रहा हूं, श्रेय आपको। 29 सीटें जीतना, पहले भी डबल इंजन की सरकार थी 2014 से, 19 में भी नहीं वो छिंदवाड़ा जीत पाए, 14 में नहीं जीत पाए, 24 में पूरा किला ढा दिया आपने, और ये छिंदवाड़ा ही नहीं राजगढ़ जहां पे कहा जा रहा था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है वो रोड बनलागर साहब को हरा देंगे, वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। देखिए ये बात सही है कि दो तो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, दोनों की सीटें गई, और एक छिंदवाड़ा का आपने नाम लिया, ये तो आजादी के बाद पहली बार मुख्य चुनाव में, एक बार उपचुनाव पटवाजी से 40 साल पहले की बात है, वो उपचुनाव में जीते थे, मुख्य चुनाव में कभी छिंदवाड़ा हम नहीं जीते। लेकिन ये बात सही थी कि हमने पहले दिन से उस पर प्रयास किया था कैसे भी करके छिंदवाड़ा जीतना, मैं 10 बार वहाँ दौरे मेरे हुए, 2 रात वहाँ रहा हूँ, और मेरे कार्यकर्ताओं ने जितनी ताकत लगाई है हम लोकल।
तो वहीं 9 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते 9 जून को, हमने आपको पहले ही बताया। अब समय भी आ रहा है निकलकर सामने, शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो शाम 7:15 बजे 7:15 पर शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं, सुना आपने उन्हें, और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है कल की खास बैठक के लिए। और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ये जानकारी कि 9 तारीख को होगा, शाम को 7:15 पर शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब कल एनडीए के सहयोगियों के साथ मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी ने, बीच में आपको खड़े हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोग, विक्ट्री साइन दिखाते हुए। और इस बैठक में भी नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया था। कल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है उसमें भी नेता चुना जाएगा। नई सरकार गठन से पहले ये जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं यहाँ पर पूरी की जा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जा रहा है तमाम फॉर्मेलिटीज को। राष्ट्रपति ने भी 7 जून को मिलने का समय दिया हुआ है। 7 जून को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम 7:15 पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी जीत कर आई, 240 सीटें, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। लेकिन एनडीए के पास मेजोरिटी से ज्यादा का नंबर हासिल है। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी जुड़ गए। अशरफ, 7:15 9 जून को, ये शाम का समय जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये सब तय हो चुका है, रविवार को 9 जून और शाम को 7:15 प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये अब सब तय हो चुका है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से सूचना आ गई है, अब 7:15 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और वो उनका तीसरा ट्रम है, हैट्रिक है। और ये बहुत बड़ी है कि आजादी के बाद, नेहरू के बाद, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। एक नया रिकॉर्ड बना है, अब तक लगातार पंडित नेहरू के बाद कोई भी तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना और अब प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी फिर निभाने जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अशरफ। वहीं भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले नव निर्वाचित सांसद, ऐतिहासिक जीत की सीएम ने अपने सांसदों को बधाई दी। भोपाल से जीते आलोक शर्मा, होशंगाबाद के दर्शन सिंह चौधरी, राजगढ़ चुने गए रोडमल नागर ने सीएम से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब मुलाकात की दर्शन सिंह के साथ, यहां पर सीएम डॉक्टर यादव को आप देख पा रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता, मुंह मीठा कराते हुए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करने पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि ये अच्छी बात है कि कांग्रेस नेता शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें दूसरे नेताओं की तारीफ भी करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के पास अब बचा ही क्या है। जिस नजर से कांग्रेस अपने संगठन को देखती है कि राहुल हो या प्रियंका, इस पर ही वो विवाद करते हैं, उसी नजरिए से वो भाजपा को देखते हैं तो गलती करते हैं। भाजपा ने चुनाव मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है। मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य नेता है और मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार गठित होने वाली है। बाकी मैं कांग्रेसियों का स्वागत करता हूं कि वे हमारे अन्य नेताओं की भी महिमा और गुणगान कर रहे हैं और ऐसे ही वो और नेताओं की भी करें तो बेहतर होगा। चुनाव निश्चित तौर पर मोदी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर लड़ा गया।
अब लेकिन वो सरकार बनाने में प्रयासरत है, मोदी की गारंटी तो खत्म हो गई, अब चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की गारंटी पर वो सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इसमें मोदी पीएम बिल्कुल नहीं हो सकते। हम तो मांग करते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद स्वीकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना ऑरा बनाया है वो खुद ही अपना कद घटाएंगे। जहां तक शिवराज जी की बात है, मध्य प्रदेश के नाते हम स्वागत करेंगे, अगर शिवराज जी यहाँ चार बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 17 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो हम स्वागत करते हैं, भले किसी भी दल के हों। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके 1.5 लाख से जीते हैं, जबकि उनको 10 लाख से जीतने का दावा किया, और शिवराज जी 8.5 लाख से जीते हैं। तो कई ऐसी चीज है जो शिवराज जी का दावा मजबूत करती, प्लस शिवराज जी ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। तो वही एमपी कांग्रेस ने लिया है बागियों पर बड़ा एक्शन, मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का यह बड़ा फैसला। कांग्रेस बदलेगी विधायकों की सिटिंग अरेंजमेंट में, कांग्रेस बदलाव लाएगी, सदन के आसन क्रम में बदलाव होगा, बागी विधायकों को अपने साथ नहीं बैठाएगी कांग्रेस। निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत ने छोड़ी है कांग्रेस, छोड़ने के बावजूद विधायक पद से नहीं दिया इस्तीफा, इस्तीफा नहीं देने के बाद कांग्रेस का यह फैसला। 1 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र, 19 जुलाई तक चलेगा, और इन दिनों में कांग्रेस से छोड़कर गए रामनिवास रावत, निर्मला सप्रे कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, कांग्रेस ने यह बदलाव किया है, बागियों पर बड़ा एक्शन किया, विधायक पद नहीं छोड़ा है इन दोनों ही विधायकों ने, तो ऐसे में कांग्रेस अपने साथ नहीं बैठाएगी।